स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री के कुछ ट्रिक्स लेके आई हूँ। क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट्स स्पेशली इस चीज़ को ध्यान दें। आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्विक लाइम, स्लेट लाइम, लाइम वाटर, लाइम स्टोन, इन सब के फॉर्मूलाज को लर्न करने में। तो इसके लिए मैं आपको सबसे ईजी ट्रिक बताती हूँ कैसे इनको लर्न किया जाए। आप मेरे साथ इसको स्टार्ट कीजिए। कैल्शियम क्विकली ऑक्सीजन के पास आया तो क्विक लाइम बन गया। क्या हुआ? कैल्शियम क्विकली ऑक्सीजन के पास आया तो क्विक लाइम बन गया। अब वो इतना क्विकली आया कि उसको पता ही नहीं चला आगे पानी है, तो वो पानी में डूब गया। और आपको ये पता है पानी कहाँ पे होता है? लेक में। तो वहाँ से क्या बना? स्लेक्ड लाइम। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम के फॉर्मूलाज क्लियर हुए एंड कैल्शियम एंड हाइड्रोजन सब इकट्ठे हुए। आपको पता है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन कैल्शियम? +2 एंड हाइड्रोक्साइड -1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास स्लेक लाइम का प्रॉपर फॉर्मूला आ गया, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे आपके स्लेक लाइम को, या तो आप इसको लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। स्लेक लाइम को लाइम वाटर कब बोलते हैं? तब आपका स्लेक लाइम पानी में डिजॉल्व हो, तो इसी का सेकेंड नेम होता है लाइम वाटर। ओके, आफ्टर दिस स्लेक लाइम का क्या होगा? जस्ट चेक इट आउट। ओके, सेकेंड रिएक्शन होगी। अब ये स्लेक आपका कैल्शियम क्विकली आने के बाद लेक में कूद गया, तो उसके बाद स्लेक लाइम बन गया। अब इसके साथ क्या हुआ? आपको पता है लेक में ऑक्सीजन की कितनी कमी होती है, ऑलरेडी सारी फिशेज पानी ऑक्सीजन ले गई। तो क्या हुआ स्लेक लाइम के साथ? उसके पास दो ही ऑप्शन बचे, आइदर टू कंज्यूम क्लोरीन और टू हैव CO2। ठीक है, तो आप देखते हैं सबसे पहले उसको CO2 प्रोवाइड करते हैं क्या होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका जो स्लेक लाइम है उसने CO2 पी, तो वो क्या हुआ? मर गया। आपको पता है CO2 पीने से सभी मरते हैं, तो वो भी मर गया। तो मरते ही वो पत्थर हो गया। इट मीन्स पत्थर क्या है? मार्बल। तो क्या हुआ? ये कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 बहुत ज़्यादा हो गई तो वो CO3 में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे पहली चीज़ आपको लर्न करनी है, जैसे ही आपका स्लेक लाइम में उसको CO2 पीनी पड़ी तो उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। मरना मीन्स वो पत्थर बन गया, पत्थर बनना मीन्स वो मार्बल बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये हैरानी होगी जान के कि कैल्शियम कार्बोनेट आपका मार्बल का भी फॉर्मूला है, आपके लाइम स्टोन का भी फॉर्मूला है, आपकी जो एग शेल की बाहर वाली कवरिंग है वो भी यही है, उसमें भी आपकी कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट ही है। फोर्थ, आपके पास जो चौक जो टीचर यूज़ करते हैं उसका भी सेम फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से आपके कंप्लीट हुई रिएक्शंस कैल्शियम कार्बोनेट तक का स्टेप। ओके, अब सेकंड फेट देखते हैं यहाँ पे इसके क्लोरीन के साथ क्या होगा। अब थर्ड हो सकते हैं चांसेस, जो आपका डूबा था आपका क्विक लाइम पानी के अंदर, जो स्लेक लाइम बना था, अब इसको बेचारे को CO2 भी नहीं मिली क्योंकि सारी वो यहाँ पे किसने कंज्यूम कर ली? यहाँ पे कार्बोनेट ने। अब उसके पास ऑप्शन नहीं, वो क्लोरीन पिएगा। अब जैसे ही स्लेक लाइम ने क्लोरीन पी, उसका रंग चेंज हो गया। इट मीन्स वेरी गुड, रंग चेंज होना किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ब्लीचिंग पाउडर की। इट मीन्स यहाँ पर रंग चेंज हुआ तो इट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जो रंग चेंज करेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर बना। तो यह आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का हाउ यू कैन मेक ब्लीचिंग पाउडर वाला फॉर्मूला यहाँ से आपको इजीली लर्न हो जाएगा। इट विल मेक कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, नाउ दिस थिंग इज हेयर, यहाँ से ब्लीचिंग का कलर चेंज होता है, इससे आपको इसके यूजेस भी याद कर सकते हो। सो लेट्स रिकैप इट, क्या किया था? कैल्शियम क्विकली ऑक्सीजन के पास आई, इतना क्विकली थी कि वाटर में डूब गई। वाटर कहाँ पे होता है? लेक में, तो स्लेक लाइम बन गया। उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन थी, या तो क्लोरीन पिए या CO2 पिए। पहले उसने सोचा चलो CO2 को ट्राई करते हैं, तो जैसे ही CO2 पी वो बेचारा मर गया। मर गया मीन्स पत्थर हो गया, पत्थर होना मीन्स मार्बल बन गया। इसी का सेम फॉर्मूला लाइमस्टोन का, वही पत्थर बनना। देन वही आग आपकी जो एक्टिव बाहर की कवरिंग है वो भी यही। देन उसके बाद जो चौक की कंपोजिशन है वो भी यही कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब उसके बाद उसको CO2 ना पीनी हो तो वो क्लोरीन लेगा। जैसे उसने क्लोरीन ली तो क्या हुआ? उसका कलर चेंज हो गया, वो मरा नहीं। तो ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ओके, विद मोर वीडियोज लाइक दिस विल बी कमिंग बैक। ओके, थैंक यू एवरीवन।